भाई एक लाइन उनके लिए जिन्हें अभी तक अपडेट नहीं मिली। बाकी सब तो अपडेट कर रहे हैं, बाकी सब तो अपडेट कर रहे हैं, एक हम ही बचे हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो हाउ टू अपडेट Redmi Note 7 Pro MIUI 12.0.4.0 एंड Redmi Note 8 Pro MIUI 12.0.3.0 एंड Redmi Note 7S MIUI 12.0.1.0। दोस्तों ये एक ऑफिशियल वे है, आपका पूरा डेटा यहाँ पर सेफ रहेगा, आपका फोन का बूट लोडर अनलॉक हो लॉक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको TWRP की जरूरत नहीं है, आपका फोन रूट भी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये एक ऑफिशियल वे है, अगर आप इससे अपडेट करेंगे ऑफिशियल OTA आपको आगे से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपडेट्स आनी बंद हो जाएंगी। तो यार सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो यार वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर यार बात करने वाले हैं कि आप कैसे अब अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं, आपका Redmi Note 7 Pro हो सकता है, Redmi Note 8 Pro हो सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यार अपडेट जो है अब गायब हो चुकी है, अपडेट यहां पर नहीं आ रही है। तो दोस्तों एक सिंपल सा ट्रिक है यार, ऑफिशियल है, ऑफिशियल OTA है, आपका कोई भी डेटा यहाँ पर लॉस नहीं होगा, जैसे आपकी वीडियोस ऑडियोज जो भी आपकी पिक्चर्स हैं यहाँ पर वैसी की वैसे ही रहेंगी, नो रूट नो TWRP कुछ भी यार आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए एक छोटा सा लिंक जो कि 300+ MB का है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहां पर आना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर MIUI 12 पे लोगो पे दबाना है 10 बार तो यहां पर कुछ एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहां पर 3 डॉट्स पे दबाना है, चूज पैकेज में आना है, जहां पर भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो यहां पर आकर आपने क्लिक कर देना है एंड ओके कर देना है। तो यहां पर यार मेरी बैटरी लो है तो मैं बैटरी से जो है क्विकली से लगा देता हूं, क्विकली से अभी, तो बैटरी जो है मेरी लो है 1 सेकेंड यार। तो यहाँ पर यार मैंने अभी जो है बैटरी पे लगा दिया है, तो आपने वही कुछ करना है जो पहले किया था, चूज़ पैकेज में जाकर इसे जो है वो पिक कर लेना है एंड ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपकी बैटरी जो है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ये जो है वो नोटिफिकेशन, आपका फ़ोन जो है वो अब अपडेट होने वाला है, तो आपने सिंपली यहाँ पर रीबूट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो 10 मिनट के करीब लगेंगे और आपका फ़ोन जो है वो रीबूट हो जाएगा। तो मैं क्विकली से फास्ट फॉरवर्ड अभी कर देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यार लगभग 10 मिनट भी नहीं लगे और हमारा फोन जो है वो बूट हो चुका है। तो अगर मैं यहां पर सेटिंग्स में जाता हूं, अब अबाउट फोन में जाता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अपडेट कर लिया है। अगर आपका 8 Pro है तो MIUI 12.0.3.0 होगा, अगर आपका 7 Pro है तो 12.0.4.0 होगा। तो व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो यहाँ पर कैमरे में कुछ चेंजेस आई हैं, तो यार मैं पूरा टेस्ट करके यार वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए यार यहाँ पर ये जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि आप इसे कैसे अपडेट कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आपका सारा डेटा यहाँ पर सेफ रहेगा और आपको आगे से भी यार अपडेट मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि यार अपडेट नहीं आएंगी, आगे से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर इन दोनों ही डिवाइसेस के बारे में। तो यार आज के लिए बस इतना ही।